हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कौशल्या 004 व्लॉग्स में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरे घर पर भैया और भाभी आए हुए थे, साथ में ये है मेरा भतीजा दक्ष जो भी आया हुआ था, और इसके आने से हम लोग सब खुश हो गए थे। और फिर हमारे घर का सबसे छोटा मेंबर है ये, तो सबको अच्छा लगता है। और ये आती ही बेड पर फ़ोन चलाने अच्छे से खिलाया, और फिर इसके साथ पे थोड़ी सी मैंने मस्ती करी, और फिर इसको कार्टून चलाकर दे दिया था, और फिर इसको आराम से बेड पे बैठा दिया ताकि ये गिरे नहीं। और फिर सबके लिए खाना नाश्ता भी बनाना था, फिर मैं किचन में आ गई थी, और किचन में आकर फिर मैंने पूछा क्या खाना है, तो फिर आलू के पराठे की फरमाइश हुई। तो फिर आलू के पराठे बनाने के लिए मैंने आलू बॉईल पहले ही कर दिए थे, और ये मैंने आलू का पेस्ट बनाकर तैयार कर दिया था। इसमें दक्ष को भी आलू के पराठे पसंद है, इसीलिए मैंने जो आलू का पेस्ट होता है उसमें थोड़ी सी चीनी डाल दी ताकि पराठे तीखे नहीं लगे उसको, और वो भी आधा खाई लेता है इसीलिए। तो फिर मैंने आलू के पराठे बनाने स्टार्ट कर दिए थे। सबको सॉस और दही के साथ में आलू के पराठे खाना अच्छा लगता है, तो फिर मैंने पराठे बनाना स्टार्ट कर दिया था। और फिर ये देखो मैं पराठे बना रही हूँ, और मैंने आटे की लोई ली, उसको थोड़ा सा बेला, उसमें ये जो आलू का मिश्रण होता है इसका इसको भर दिया था, और फिर वापस से इसकी लोई बनाकर उसको फैलाकर रोटी की तरह बेल कर फिर मैंने तवे पर पराठा डाल दिया, और फिर दूसरा पराठा भी मैंने ऐसे ही बना के तैयार कर दिया। और यहाँ पर मैंने घी से सारे पराठे सेक दिए थे, और एक एक करके सारे पराठे मैंने तैयार कर दिए थे। ये मेरा पराठा बनकर तैयार हो गया। फिर मैंने दूसरा पराठा भी ऐसे ही डाल दिया, और उसको भी मैंने अच्छे से सेक लिया था। फिर क्या सब्जी बनानी थी, इसीलिए दीदी ने पराठे बनाना स्टार्ट कर दिया था, मेरी हेल्प कराने आ गई थी दीदी। और इधर मैं दाल का तड़का लगा रही थी, दाल को मैंने आज बॉईल नहीं किया, डायरेक्ट बिना बॉईल करी दाल ही बनानी थी। तो फिर इधर मैं छौंक लगा रही थी दाल का, और उधर दीदी मेरे खाना बनाने में मेरी हेल्प कर रहे थे, और भाभी भी हेल्प कर रहे थे, पर वो कैमरे के सामने नहीं आते इसीलिए। तो हम लोग बातें करते जा रहे थे, और सब लोगों ने मिल के खाना बनाया। और ये मैंने दाल डाल के फिर इसकी दो सीटी लगाने के लिए कुकर का ढक्कन लगा दिया था। अब ये देखिए फ्रेंड्स, आलू के पराठे बनकर तैयार है, और इधर मेरी दाल भी बनके तैयार है, और ये मैंने दही में राई, जीरा, हींग और का तड़का देके दही को छोंक दिया था, और सब लोगों ने खाना खा लिया था, उसको मैं सूट नहीं कर पाई थी। और फिर सब लोग खाना खा के और भाई भाभी दक्ष चले गए थे, और मैंने किचन में आके किचन की प्लेटफॉर्म साफ़ करी, गैस का चूल्हा साफ़ किया। हम लोग शाम को रोज़ाना सफाई करके ही सोते हैं, फिर झाड़ू निकाल दिया था मैंने रात को, मतलब बहुत सारा इधर उधर कुछ भी चीज़ बिखर रही थी, सबको वापस से मैंने सेट करके रख दिया था ताकि सुबह उठकर सफाई की प्रॉब्लम नहीं आए। और यहाँ पर गैस का चूल्हा भी मैंने साफ़ कर दिया, और इसके ऊपर स्टैंड लगा के ये देखिए